सो गाइज फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गाइज आप इंस्टाग्राम की स्क्वायर पोस्ट कैसे बना सकते हो। गाइज मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कुछ जो है पोस्ट बना के रखी हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम की स्क्वायर पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो गाइज अपने सिस्टम में। तो देखो गाइज पहले मैंने क्रिएट की है आसिफ.co करके, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उसकी, उसके ऊपर बनाया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड है उसका, यहाँ पे उसकी वेबसाइट ऐड है और यहाँ पे वो क्या काम करता है ये ऐड है। और गाइज जो दूसरी पोस्ट बनाई है वो मैंने aman.co के नाम से बनाई है, अमन मेडिकल सेंटर। तो गाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अमन के नाम का है, अमन का मोबाइल नंबर, अमन का सब कुछ, अमन की इमेज, गाइज आप अमेजिंग करें। और गाइज तीसरी जो मैंने पोस्ट बनाई है वो जोया मेडिकल सेंटर की बनाई है। और गाइज ये नेम और मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट सब कुछ यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। और गाइज जो हमारी हमने चौथी पोस्ट बनाई है वो suhana.co के नाम से बनाई है, ऑनलाइन बिजनेस वेबिनार है इनका, सुहाना खान का। तो गाइज आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे मोबाइल नंबर और लोकेशन और मैसेज और ईमेल एड्रेस यहाँ पे सब कुछ है। तो गाइज वेबसाइट भी यहाँ पे मौजूद है। तो गाइज आप इस तरह की इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट कैसे बना सकते हो अपने डिवाइस में, ये मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो गाइज मैं अभी इसे पूरी तरीके से क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद गाइज आपने करना क्या है, आपको गाइज सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हम इसे डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। जैसे गाइज मान लो कि मैं कैनवा को डाउनलोड कहाँ से कर सकता हूँ, तो गाइज कैनवा को डाउनलोड करने के लिए आप अगर जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर विंडोज़ 11 यूज़ करते हो तो आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नाम का एक ब्राउज़र होगा। तो गाइज आपने सिंपली जो इस पर क्लिक कर देना है, इस पर जैसे गाइज आप क्लिक करोगे तो जो ऊपर आपको सर्च बार दिख रहा है, आप इसमें सर्च करोगे कैनवा। तो गाइज जैसे आप कैनवा सर्च करोगे तो जो आपकी पहली ऐप आएगी कैनवा की फ्री वाली, तो गाइज आपको इस पर क्लिक करना है और इसे जो है अपने डिवाइस में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे गाइज जहाँ इंस्टॉल इट का ऑप्शन आ रहा मेरे में, यहाँ पे आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद गाइज मैं इसे यहाँ से बिल्कुल क्लोज़ कर देता हूँ। जो इसका दूसरा तरीका है डाउनलोड करने का वो गाइज ये है कि आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। मैं अभी अपना क्रोम ओपन कर लेता हूँ, chrome क्रोम गाइज मैंने ओपन लिया। यहाँ जिस भी आईडी से लॉगिन हो जाओ, लॉगिन होने के बाद गाइज आप यहाँ पे सर्च करो कैनवा। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो कैनवा की जो ऑफिशियल साइट है, कैनवा विजुअल साइट फॉर एवरीवन, तो गाइज आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे गाइज आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करके लॉगिन या साइन अप करके आप यहाँ से फ्री वाला जो कैनवा है उसको आप जो है चालू कर सकते हो यहाँ से स्टार्ट डायरेक्ट। गाइज मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो पहला तरीका है, गाइज आप वो अपनाएं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद गाइज आप में यहाँ आ जाएगा सर्च बार में, यहाँ आप सर्च कर लें कैनवा। जैसे गाइज आप कैनवा सर्च करेंगे तो कैनवा का इंटरफेस गाइज कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे गाइज आपने करना क्या है, मैं इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ, मेरी पिछली पोस्ट खुली हुई है। तो गाइज कैनवा का इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। तो गाइज यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी जीमेल एड्रेस से या फिर गाइज गूगल अकाउंट से यहाँ पे आपको लॉगिन या साइनअप कर लेना, मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, लॉगिन या साइनअप कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन या साइनअप करने के बाद गाइज जो मैंने पोस्ट बनाई थी वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं इन्हें बिल्कुल क्लोज़ कर देता हूँ, उसके बाद आपको शुरुआत से डिटेल में बताता हूँ। जो गाइज मैंने यहाँ से भी इसे क्लोज़ कर दिया। अब गाइज आपने करना क्या, कैनवा का ये इंटरफेस है गाइज, कैनवा में आप बहुत कुछ कर सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, वाइट बोर्ड पर समझा सकते हो, इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, इंस्टाग्राम लोगो कैसे बना सकते, किसी भी चीज़ का लोगो कैसे बना सकते हो 500x500 का। और गाइज अभी मैं बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पोस्ट आप कैसे बना सकते हो, लोगो मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी इसके ऊपर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और गाइज स्टोरी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, फ्लेयर इनविटेशन कार्ड बना सकते हो, रेज्यूम प्रोफेशनल रेज्यूम बना सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पोस्ट और पोस्टर बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, यूट्यूब थंबनेल। गाइज यूट्यूब थंबनेल के लिए तो ये बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है। और गाइज वीडियो को एडिट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो गाइज हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, आप गाइज देखें इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट कैसे बना सकते हैं। तो गाइज आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे गाइज आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने गाइज खुल कर यहाँ पे आ जाएगा। और गाइज पहली बात, ये वाइट पेज आपके पास आया है तो इसे आप अगर वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट ही रखें, वरना गाइज जैसे यहाँ से आप इसका पोजीशन पे क्लिक करके इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो गाइज मैं कलर अभी नहीं चेंज करता हूँ, बाकी जो है इसे ऐसा ही रहने देता हूँ।
तो गाइज ऐसा रहने के बाद गाइज आपने क्या करना है, अब आप किस टाइप का जो है पोस्ट बनाना चाहते हो, मेडिकल से रिलेटेड है या गाइज यूट्यूब से रिलेटेड है या गाइज आप मान लो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे गाइज मैं सर्च कर रहा हूँ टीचर पोस्ट, ठीक है, TEACHER टीचर पोस्ट। तो गाइज मैंने यहाँ पे टीचर पोस्ट सर्च कर दी। आप टीचर से रिलेटेड गाइज यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट हमें मिल जाएंगे। गाइज टेम्पलेट का बहुत ही मतलब योगदान रहता है बनाने में। गाइज टेम्पलेट के ज़रिए हम अच्छा प्रोफेशनल सीख पाते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे चेक करें, अगर मान लो टीचर्स डे का बनाना है तो यहाँ पे बहुत से प्रो वर्जन में भी हैं, बहुत से फ्री भी हैं। तो गाइज आप फ्री वाले यूज़ कर सकते हो, प्रो वाले भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज जैसे मान लो हम टीचर का बनाएंगे, तो गाइज टीचर का बनाने के लिए हमें जैसे हमको यहाँ पे टेम्पलेट चॉइस कर लेते हैं। जैसे मान लो हैप्पी टीचर्स डे है, तो हैप्पी टीचर्स डे का जो है मैंने वो चॉइस कर लिया। अब यहाँ पे गाइज इतना क्लियरली बन के आ गया। अब गाइज यहाँ पे जो है हैप्पी टीचर्स डे लिखा हुआ है, लेकिन ये किसकी तरफ से है, किसकी तरफ से होने के बाद गाइज आपने करना क्या है। जैसे गाइज आप ये सर्च करोगे तो गाइज हम इसमें कोई टैक्स ऐड कर सकते हैं। टैक्स जैसे हम अपना नेम लिख सकते हैं, जैसे गाइज हैप्पी टीचर्स डे तो लिखा है, अब यहाँ पे हम अपना नेम डाल देंगे। नेम डालने के बाद गाइज नेम डालने के बाद जैसे गाइज मैं अभी यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। जैसे मैंने नेम डाल दिया, नेम डाल दिया सबा, तो सबा की सना की तरफ से, ठीक है, सना की तरफ से गाइज मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी गाइज मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसका कलर वलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर चेंज मैं इसे रेड कर देता हूँ। जैसे गाइज आप ये चेक करें, मैं इसे ब्लैक कर दिया हूँ। गाइज अभी आप अपने हिसाब से उसे कोई भी कलर दे सकते हो आप, जिससे जो आपको बेस्ट लगे। यहाँ पे आके और गाइज यहाँ पे इसे बोल्ड इटैलिक आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और अंडरलाइन भी कर सकते हो जिसकी तरफ से हो। तो गाइज आप इस तरह ये जो है क्रिएट कर सकते हो। हैप्पी टीचर्स डे का भी कलर वगैरह जो आप चेंज करना चाहो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे और गाइज अब यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे मान लो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और गाइज जो हमारी जो अब आप दूसरी घर बनाना चाहते हैं तो एलिमेंट्स में जाएँ, यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाके गाइज आप इसमें फ्लावर वगैरह जो ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सीरियसली गाइज आप यहाँ पे बहुत से फ्लावर्स रोज दिए हुए हैं, जो आप जिस तरह आप ऐड करना चाहें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं गाइज एलिमेंट्स में जाके। और जो भी आपको लोगो चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे गाइज लोगो आप जैसे कोई लोगो ही सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन प्रो वर्जन वाले काफ़ी होते हैं। अगर गाइज आपके पास प्रो वर्जन है तो यह बेस्ट रहेगा आपके लिए। और गाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे ये पोस्ट हमारी बनके रेडी हो गई। अब गाइज हमारी रेडी होने के बाद अब हम दूसरी कोई पोस्ट भी क्रिएट करते हैं। जैसे गाइज मैं इसमें एक पेज ऐड करता हूँ। एक पेज ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे आया डिज़ाइन पे। अब यहाँ पे गाइज मान लो मेरे को टीचर का नहीं चाहिए, अब यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे आप गाइज चेक कर सकते हो लेटर वाले लोगो। तो गाइज मैं यहाँ पे लेटर वाली जो पोस्ट है वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बाकी अगर कोई इशू आए गाइज तो आप मेरे को कमेंट करो और गाइज मेरे को सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है गाइज। यहाँ पे गाइज आप चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। कैनवा गाइज बहुत ही फेमस है इसी के लिए कि गाइज यहाँ पे आप कोई भी पोस्ट, कोई भी लोगो, कोई भी क्रिएट कर सकते हो सिंपली। तो गाइज आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी अगर कोई इशू आए तो आप मेरे को कमेंट करो और गाइज मेरे को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट